स्वच्छता का जो नारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। अगर स्वच्छ रहता है ढाबा तो निश्चित है कि डेंगू न पनपता। डेंगू पनपने का कारण ही है कि अस्वच्छता होना, और निश्चित है कि क्षेत्र शहर के और पूरे जनपद में अभी तक सैकड़ों मरीज डेंगू के आ चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है और प्रतिदिन डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। एक स्कूल है, स्कूल के सामने पूरा खत्तगर बना हुआ, अभी तक कूड़ा नहीं हटा। और फिर थोड़ी साइड में हमने देखा है, कई जगह खत्तगर बना है, कूड़े अभी तक नहीं उठाए गए। वो कई जगह हमारे जो है इकट्ठा करने वाले पॉइंट हैं, जो ढलावघर जिनको कहते हैं, हमारे ढलावघर हैं, गलियों से निकलवाया जाता है कूड़ा, क्योंकि गलियों में मशीनें जा नहीं पाती हैं। तो गलियों साफ सफाई होने के बाद हाथ थैली से रिक्शे से कूड़ा निकलवा के जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर वहाँ से मशीनों द्वारा उठवा के प्लांट में भिजवा। सर जहाँ बात करें वो गली नहीं, बहुत चौड़ी सड़कें हैं जहाँ स्कूल बने हुए, स्कूल के सामने खत्तगर बना दिया। जगह तो ऐसी देखी जाती है ना, जहाँ हमारी मशीनें जा, स्कूल के सामने खत्तगर बना दिया जाए जहाँ बच्चे जाते हैं, डेंगू की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा है, अगर ऐसी कहीं स्थिति है तो उसको देख लिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ये वो पहले से डला हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? ममता रानी अग्रवाल। क्या है आप? प्रिंसिपल है। स्कूल का नाम? सरोज नायडू जूनियर हाई स्कूल। ये बताइए, जो घर के सामने आप, वो स्कूल के सामने जो आप खत्तागर है, इससे क्या परेशानी होती है आपको? इससे सारे बच्चों को बीमारी फैलने का डर रहता है कि मक्खी मच्छर फैल रहे हैं। हम लोग तो रात दिन इसमें इंतजाम लगे रहते हैं और सब नुकसान ही नुकसान है। बच्चों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सारी चीज़ें, ये पानी भरा रहता है। हमारे यहाँ वार्ड अलग से बनाया गया है डेंगू के लिए, और जिसे आपदा वार्ड भी कहते हैं, उसमें केवल 8 मरीज डेंगू के भर्ती हैं, और उसमें उन 8 में से 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर है। तो उनकी शायद आज डॉक्टर शांतनु जो देख रहे हैं हमारे, हालांकि कोई फिजिशियन नहीं है इस समय हमारा, तो हॉस्पिटल में ही नहीं है फिजिशियन, तो इस स्थिति में हम एक MBBS प्लेन MBBS से राउंड करवा रहे हैं, और उनके अनुसार जो है कम से कम 4 मरीजों की आज छुट्टी हो जाएगी।